नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बांदा ट्रस्ट पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बांदा तैद्वारी और पैलानी थाने के अपराधियों से ट्रस्ट पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी रामनरेश सिंह ने बताया कि थाना तिद्वारी व पैनाली प्रेम सिंह के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। इसके बावजूद दबन की दबंगई ने हद पार कर दी और जिम्मेदार भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले को कलियुगी हरिश्चंद्र मान बैठे हैं। पीड़ित परिजन ने प्रेम पर अपनी बेटी के साथ दुराचार की फर्जी वारदात में एक स्नातक छात्र को आरोपी बना जेल भिजवाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, छात्र राजा की मां चुन्नी देवी विधवा है, उसको भी अपनी दबंगई में नहीं बख्शा। गाली गलौज कर धमकाया कि मेरी बात नहीं मानी तो अन्य बेटे भी तेरे जेल जाने से नहीं बचेंगे, अगर पुलिस के आला अफसराए से शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। इसकी बेटी बयान बदल के अन्य बेटों को फंसाने को कहती है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अविलंब कार्यवाही की जाए जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। आपका कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम पंकज सिंह है। किस गांव से आए? पिपरहरी गांव से आए। थाना पैलानी। क्या समस्या है, क्यों आए हो? समस्या ये है कि एक गाँव के लोग हैं, रेखा पत्नी प्रेम सिंह और प्रेम सिंह सनाप रामेश्वर, उसकी लड़की है दीपा जी, उस वो गांव के कई लोग दबंग मिल करके फर्जी उसको उसका रहे हैं, फर्जी बयान दिलवा रहे हैं और फर्जी हमारे भाई को पहले फंसाया गया और हम अब हमको फंसाना चाहते हैं। और तो आज कहाँ आए थे आप? आज महोदय जी के पास आए थे, कप्तान साहब के पास। उनसे पत्र दिया कि हमें फर्जी न फंसाया जाए, मतलब इसकी न्यायिक जांच हो, अगर कोई ये लोग देते हैं एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तो इसकी न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच होने के बाद जो मतलब कानूनी कार्रवाई हो। फर्जी स्टेटमेंट दिलवाते हैं रोज, आए दिन उस लड़की से, उसके माँ बाप 386 में जेल कारागार बंद है, जेल कारागार में बांदा में बंद है वो। और फर्जी मुकदमा लिखाने पे, फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, उन्होंने लिखवाया था, तो इसलिए फिर कप्तान साहब ने आदेश करके 386 कैम किया। इसके बाद उनको फर्जी मुकदमा लिखाने के चक्कर में उनको जेल कारागार बांदा में बंद कर। अब उसकी लड़की से हमें फर्जी फंसाना चाहते हैं तीनों भाई।